नाउ टॉकिंग अबाउट द मोलस्का, मोलस्का के बारे में बात करते हैं। मोलस्का के बाद वैसे इससे पहले ऑर्थोपोडा आता है, इससे पहले मोलस्का से पहले ऑर्थोपोडा आता है, आता या नहीं आता? मोलस्का से पहले आता है ऑर्थोपोडा ना, ऑर्थोपोडा के बारे में बात करते हैं। नहीं, अच्छा मोलस्का और ऑर्थोपोडा में कौन आता है? मोलस्का से पहले ऑर्थोपोडा आता है, ऑर्थोपोडा से पहले मोलस्का आता है, कौन आता है जॉन? चलो मोलस्का पढ़ते हैं, पहले मोलस्का देन ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा लास्ट में आता है, मोलस्का पहले आता है। चलो अच्छी बात है। जब मैं मेडिकल की प्रिपरेशन का किया करता था तो हमेशा मुझे ये चीज कंफ्यूजन हो जाता था कि मोलस्का बाद में आता है, ऑर्थोपोडा पहले आता है। लेकिन आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। पहले मोलस्का आता है, फिर उसके बाद ऑर्थोपोडा आता है, क्या बात है, सही है। चलो मोलस्का की तरफ मूव करते हैं, मोलस्का की तरफ मूव करेंगे। सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट होता है, प्रोटेक्टिव मेंटल होता है, यहाँ पे प्रोटेक्टिव मेंटल एंड मे नॉट मे फॉर्म अ हॉर्ड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें काइटोन्स, स्नेल्स, स्लग्स, काम्स, ये सब ऑक्टोपस, ये सारी चीजें आते हैं मोलस्का में। दैट सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम होता है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। Having the muscular food for the moment, and which is modified into the tentacles for the squid and octopus. Complete one-way digestive tract. यहाँ पे इसका जो digestive tract है, one-way digestive tract होता है, मतलब एक mouth और एक anus होता है, two openings. पूरा का पूरा fully lined coelomes होते हैं। यहाँ पे cephalization होता है, having distinct head and sense ऑर्गन्स एंड द ब्रेन, सेंस ऑर्गन और ब्रेन अलग है, सिफिलाइजेशन कर दिया है, ठीक है। नाउ हैविंग द स्क्रैपिंग माउथ लाइक स्ट्रक्चर, चलो ऑर्थो और मोलस्का में कोई भी पहले आता है इस चीज को क्लियर कर लेना, ठीक है। एंड आई एम नॉट श्योर राइट नाउ अबाउट कि मोलस्का आता है कि ऑर्थोपोडा आता है, तो इसको आप सर्च कर लेना और फिर मेरे को बता देना कि क्या आता है, ठीक है। So, having the scrapping, जो भी आता है पढ़ लो, यहाँ पे जो फीचर्स होते हैं वो स्पेसिफिक फीचर्स आप बता दे रहा हूँ हाईलाइटेड करके कि क्या क्या पढ़ना है। मोलस्का पहले आता है, ऑर्थोपोडा पहले आता है, ये आपस की लड़ाई बाद में देखेंगे, यहाँ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी मैं एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं तो मैं अभी आपको बता देता गूगल बाबा की हेल्प लेके। सॉरी सर, ऑर्थोपोडा ही पहले, मोलस्का पहले छोड़ दिया जाए, मोलस्का और आर्थोपोडा से मैं आपको बता दूंगा कौन पहले, ठीक है। ये देखो यहां दिख रहा है प्लेटीहेलमिंथीस, एस्केलमिंथीस, निमेटोडोडा, उसके बाद आता है एनालिडा, एनालिडा के बाद आर्थोपोडा, आर्थोपोडा के बाद मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर कॉर्डेटा आता है। This is the order. अगर जिसको कंफ्यूजन हो रहा है इस चीज को, ये है एनालिडा, फिर ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर आपका कॉर्डेटा आता है। तो ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्का आता है, याद रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे की तरफ, होप भी क्लियर होगा आप लोगों को यहां तक। नाउ मोलस्का हम देख रहे थे, यहां पे मोलस्का के बारे में देखने की कोशिश कर रहे थे, हेड डिस्टिंक्स हेड एंड ये सारी चीजें हो रही थी। यहाँ पे स्क्रैपिंग माउथ लाइक स्ट्रक्चर जिसको रेडुला बोलते हैं, एंड फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज जिसको कि बोलते हैं ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर होता है फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, ट्रोकोफोर लार्वा जो होता है बॉडी ऑर्गन्स एंड कॉल्ड द विसरल मास लाई बिटवीन द मेंटल। इसके पास सर्कुलरली रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एक्सक्रीटरी नर्वस सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब कुछ होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है इसमें, मोस्ट हैव सेपरेट सेक्सेस एंड क्रॉस फर्टिलाइज्ड एग होता है लार्वा, और गिल्स बिटवीन द मेंटल एंड विसरल मास जहां से कि वो गैस एक्सचेंज को करता है, गिल्स पाए जाते हैं। चार क्लासेस होते हैं जैसे कि पॉली प्लैकोफोरा, काइटोन्स, गैस्ट्रोपोडा जहाँ पे स्नेल्स, स्लग्स, ये सारी चीजें आते हैं, उसके बाद आता है बाइवल्विया जहाँ पे ओइस्टर्स आते हैं, एंड दैट इज व्हाट द सिफेलोपोडा जहाँ पे ऑक्टोपस आता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जैसे कि यूज फॉर द ह्यूमंस के लिए फूड की तरह एक्ट करता है,
पर्ल्स की तरह यूज होता है, जैसे ओस्टर्स जो होते हैं, पर्ल्स मोती जो होता है ओस्टर से निकाला जाता है, सेल्स जो होते हैं ज्वेलरी के लिए यूज किए जाते हैं, और गार्डन डैमेजेस डू कॉप एंड सब चीजों के लिए यूज किया जाता है, एंड कभी कभी सर्व एज अ इंटरमीडिएट होस्ट फॉर द सम पैरासाइट्स एज अ फ्लूक्स. इज इट क्लियर? चलो आर्थ्रोपोडा पे आ जाते हैं. ज्वाइंट अपेंडेजेस एनिमल्स, इसको बोला जाता है ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एनिमल्स. अपेंडेजेस एनिमल्स जो होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है आर्थ्रोपोडा का, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम. आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम. सेकेंड लार्जेस्ट क्या था? मोलस्का था. फर्स्ट लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा होता है. कितनी सारे देख रहे हो, 10 लाख स्पीसीज डिफरेंट होते हैं इसमें पाए जाते हैं इसके पास. द ऑर्थोपोडा में आता है, ऑर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, पोडो का मतलब होता है फूड. जिसके पास ज्वाइंटेड लेग पाए जाते हैं उसी वजह से इनको ऑर्थोपोडा बोला जाता है. हैबिटेट जो होता है इनका, हैबिटेट एरियल, एक्वेटिक, टेरिस्टिशियल या पैरासिटिक हो सकता है. वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल होता है, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल है. एक्सटर्नल फीचर्स में इसके कवर्ड होते हैं काइटीन से होते हैं. ज्वाइंटेड पेयर्ड ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं. एंड मेटामर्स आर नॉट लाइक स्पेशलाइज, जनरली फिक्स्ड होते हैं. एंड हेड जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है. आगे मूव करते हैं कुछ इंटरनल फीचर्स के बारे में, जैसे कि मस्कुलर नेचर जो होता है इसका, नॉट कंटिन्यूस बट कंप्राइजेस सेपरेट स्ट्रिप्ड मसल. स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं यहाँ पे, सेपरेट स्ट्रिप्ड मसल्स. सिलोम स्पेस इन आर्थ्रोपोड इज ऑक्यूपाइड बाय द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड दस इसको बोलते हैं हीमोसील. जो सिलोम सिस्टम हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे बॉडी में, सिलोम वो आपका हीमोसील में कन्वर्ट हो जाता था. डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट होता है. माउथ एंड एनस लाई एट द अपोजिट एंड ऑफ द बॉडी, दोनों अपोजिट एंड पे होते हैं. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं ओपन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड विद द डॉर्सल हर्ट होता है. ठीक है, आर्टरीज होती है बट बिना कैपिलरीज के होती है, विदाउट कैपिलरीज. रिस्पिरेशन थ्रू द जनरल बॉडी सर्फेस, रिस्पिरेशन जनरल बॉडी सर्फेस से होता है. गिल्स एक्वेटिक फॉर्म्स में होते हैं. ट्रैकिया और बुक लंग्स इन द टेरिस्ट्रियल फॉर्म, ट्रैकिया और द बुक लंग्स. एक्सक्रीशन जो होता है माल्फिगियन ट्यूब्यूल से होता है, एक्सक्रीशन जो होता है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स या सिलोम डक्ट से होता है. सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है सेवरल फॉर्म्स में. एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज यूजली इनडायरेक्ट थ्रू द लार्वल स्टेज. एंड नर्वस सिस्टम ऑफ द ऑर्थोपोड इज क्वाइट सिमिलर टू द एनलिड्स एंड कंसिस्ट ऑफ डॉर्सल एंड एंटीरियर ब्रेन एंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स. इज इट क्लियर? नाउ आगे मूव करते हैं ऑर्थोपोड के कुछ अलग अलग फॉर्म्स, जो मेजर कहते हैं बिगेस्ट ग्रुप्स होते हैं, जिसमें कि एक्सटर्नल स्केल्टन, ऑल ऑर्थोपोड एक्सटर्नल स्केल्टन्स होते हैं, प्रोटेक्ट देयर बॉडी, हैव द मेनिंग लेग्स. इंसेक्ट्स, एरेक्निड्स, इंसेक्ट्स हो गए, दैट इज व्हाट, एरेक्निड्स, क्रस्टेशियंस एंड द मीरियापॉड्स. सिक्स लेग्स होते हैं इंसेक्ट्स में, एट लेग्स होते हैं एरेक्निड्स में, 10 लेग्स होते हैं क्रस्टेशियंस में, एंड लॉट्स ऑफ लेग्स होते हैं आपके मीरियापॉड्स में. 6 लेग्स होते हैं एक्सोस्केलेटन, हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है. 2 एंटीना पाया जाता है, मेनी विंग्स होते हैं, जैसे वैस्प, एंट्स, बटरफ्लाइज. स्ट्रक्चर होगा, ये हेड है, ये थोरिक्स है, ये एब्डोमेन है, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी. उसके बाद एरेक्निड्स में बात करते हैं, यहाँ पे सिफेलोथोरिक्स होता है और एब्डोमेन होता है. सिफेलोथोरिक्स है, जो कि सिफेलोथोरिक्स पाया जाता है, ये रहा सिफेलोथोरिक्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिफेलोथोरिक्स, और एक एब्डोमेन पाया जाता है. इसमें 8 लेग्स होते हैं, जैसे स्पाइडर्स, जैसे स्कॉर्पियंस. डोंट हैव द एंटीना, इनके पास एंटीना नहीं होता, एंटीना नहीं होता, जो कि आपके जनरली बटरफ्लाइज में पाए जाते हैं एंटीनास. उसके बाद आते हैं क्रस्टेशियंस, सिफेलोथोरिक्स और एब्डोमेन से बना होता है. एंटीना इनके पास 2 होते हैं, जैसे क्रैब्स, केकड़े एंड प्रॉन्स, जैसे झींगा. ठीक है, इनके पास 2 एंटीनास पाए जाते हैं, एक थोरिक्स होता है, ठीक है, सिफेलोथोरिक्स, और एक एब्डोमेन होता है. उसके बाद लॉट्स ऑफ लेग्स, जैसे मीरियोपॉड्स के बारे में बात करते हैं, 2 एंटीना एंड बॉडी हैज द लॉट्स ऑफ सेगमेंट्स. कई सारे सेगमेंट्स में एंटीना है, 2 एंटीना के साथ साथ हेड है, और बॉडी पे कई सारे सेगमेंट्स पे कई सारे लेग्स पाए जाते हैं. इज इट क्लियर?
दीज आर द सम मेजर ऑर्थोपोड्स। फाइलम एनालिडा उल्टा चला गया, ठीक है, स्लाइड उल्टी ऐड हो गई। मैं कह रहा हूं एनालिडा तो मैंने डिस्कस नहीं किया, एनालिडा ऑर्थोपोडा फिर मोलस्का आना चाहिए था, उल्टा ऐड हो चुका है फ्लाइट साइड के फॉर्म में। चलो एनालिडा देख लेते हैं, जिसको बोलते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स। क्या बोला जाता है? सेगमेंटेड वॉर्म्स। सेगमेंटेड वॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एनालिडा ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक तीन लेयर सिमेट्रिकल होता है, सिलोमेट्स होता है, सेगमेंटेड मेटाजोआ होता है। मोस्टली एक्वेटिक मरीन या फ्रेश वाटर होता है। बोरोइंग और लिविंग इन द ट्यूब्स, सम आर फ्री, कुछ लोग ट्यूब्स में होते हैं, कई लोग फ्री लिविंग फॉर्म में होते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं एनालिडा के, दे आर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, कई सारे सेगमेंटेशन होते हैं। सेगमेंटेशन इज इंडिकेटेड एक्सटर्नली बाय द सर्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन के और द ग्रूव्स ऑफ द बॉडी वॉल। आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी जो होता है वो क्यूटिकल सिक्रेटेड बाय द अंडर लेइंग एपिडर्मिस। अपेंडिसेस व्हेन प्रेजेंट आर अनजॉइंटेड, ये अनजॉइंटेड होते हैं, जॉइंटेड में आर्थोपोडा में कन्वर्ट हो जा रहा था। लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेगमेंटली अरेंज्ड पेयर क्या होते हैं, दैट इज व्हाट द स्थिति की बात करते हैं, वो प्रेजेंट होता है। नाउ इंटरनल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो बॉडी कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, गट होता है यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व कॉर्ड्स पाए जाते हैं, सम एक्सटेंडेड थ्रू द बॉडी लेंथ, पूरा नर्व कॉर्ड्स पाया जाता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एनालिडा इज द डेवलपमेंट ऑफ सीरीज ऑफ द सिलोमेटिक कंपार्टमेंट, जो कि बॉडी बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल के बीच में वो डेवलप होता है। सिलोम इज द कैविटी, जो कि मीजोडर्म से डेवलप होता है। सिस्टम ऑफ द बॉडीज के बारे में बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल होता है यहाँ पे। रिस्पिरेशन जो होता है वो आपके किस फॉर्म में होता है, गिल्स के फॉर्म में होता है, बॉडी सर्फेस या बाई गिल्स इन द सम फॉर्म्स। ब्लड सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है, ब्लड इज रेड ड्यू टू द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, वन पेयर इन ईच सेगमेंट, वन पेयर के फॉर्म में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम डॉर्सल ब्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के फॉर्म में पाया जाता है। और सेक्सेस आर मे बी यूनाइटेड और द सेपरेट, यूनाइटेड भी होते हैं अलग अलग भी होते हैं। दीज आर द एनालिड्स, इज इट क्लियर? नाउ इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स के बारे में बात करने की कोशिश करता हूं। फाइलम इकाइनोडर्म्स स्टारफिश, ऑल आर मरीन, ठीक है, सारे मरीन्स होते हैं, ऑल मरीन्स। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स होते हैं। इंडोस्केलेटन नोन एज द टेस्ट इज मेड ऑफ कैल्शियम प्लेट्स और ऑसिकल्स विथ द प्रोट्रूडिंग स्पाइन्स इंक्लूडिंग द सी स्टार्स, ब्रिटल स्टार्स, सैंड डॉलर्स, सी अर्किन्स, सी कुकुम्बर्स। ये सारे कई सारे एग्जाम्पल्स है जो कि पाए जाते हैं। अंडर गो द मेटामॉर्फोसिस फ्रॉम द बाइलेटरल फ्री लिविंग लार्वा टू द सेजाइल और सेकेंडरी एडल्ट। लार्वल स्टेज नोन टू द डाइप्लुरुला और बाइपिनेरिया। एडल्ट्स हैव द पेंट्रेडियल फाइव पार्ट ऑफ सिमेट्री, पेंट्रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ द सेगमेंटेशन एंड द मेटामेरिज्म। सिलोमेट्स होते हैं, ब्रीड थ्रू द गिल्स एज द एडल्ट्स, स्किन गिल्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं यहाँ पे। Now, इसके बाद देखिएगा, इनके पास एक्सटेंसिव रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। लेट्स डिस्कस द बाइपिनेरिया लार्वा के बारे में कुछ पार्ट देखते हैं। सम कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द बाइपिनेरिया लार्वा। वेंट्रल होते हैं, लोअर सर्फेस कॉल्ड द ओरल सर्फेस, जहां पे माउथ लोकेटेड होता है। डॉर्सल जो कि अपर सर्फेस होता है, जहां पे एनस लोकेटेड होता है। हैव द नर्वस सिस्टम बट नो हेड और ब्रेन, नर्वस सिस्टम होता है बट नो हेड और ब्रेन। No circulatory system, no respiratory, no excretory system. Have network of the water-filled canals. Network of water-filled canals पाए जाते हैं, water vascular system पाया जाता है ताकि ये move कर सके और feed कर सके। Tube feet on the underside of the arms helps in the moving. Tube feet पाए जाते हैं ताकि उसको moving में और feeding में help करें। One way digestive system होता है mouth और with the oral spines and guts anus, ये होता है। ड्यूट्रोस्टोम्स होता है जहां पे ब्लास्टोपोर बिकम्स द एनस। ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं जहां पे ब्लास्टोपोर जो होता है वही एनस बन जाता है। एंड सेपरेट सेक्सेस होते हैं यहाँ पे, रिप्रोड्यूस द सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इकाइनोडर्मेटा। क्लासिफिकेशन जो होते हैं इसके पांच क्लासेस होते हैं इकाइनोडर्मेटा के, दैट इज व्हाट द क्रिनोइडिया, एस्टेरॉइडिया एंड द
ये आपके क्लासिफिकेशंस होते हैं क्रिनोडिया, एस्टराइडिया, और उसके बाद आता है ओफी यूरोडिया, इकाइनोडिया एंड द होलोथ्रोडिया। इसमें सी लिलीज आते हैं, फीदर स्टार्स आ रहे हैं, स्टारफिश जो होता है एस्टराइडिया से आता है, बास्क स्टार्स या ब्रिटल स्टार्स जो होते हैं आपके ओफिरोडिया से आते हैं, सी अर्किन्स या सैंड डॉलर्स इकाइनोडिया से आता है, सी कुकुम्बर्स होलोथ्रोडिया से आते हैं। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे। कुछ लार्वा जो पाया जाता है इकाइनोडर्म लार्वा जो बारे में बात करते हैं, लार्वल फॉर्म्स एंड क्लास ऑफ द फाइलम इकाइनो। एस्टेरोडिया से बाइपिनेरिया होता है, ओफी यूरोडिया से ओफी ओफियोपिक्टस होता है, इकाइनोडिया से होता है इकाइनोप्रेक्टस एंड होब कहते हैं, होबटूरोडिया से होता है ऑरिकुलेरिया एंड क्रिनोडिया से होता है, दैट इज व्हाट द अगर बात करें यहाँ पे सो डोबुलेरिया होता है। These are the some important larvas in the echinoderms. Hey guys, my name is Viren Singh. So, Anacademy पे मैं प्लस और आइकॉनिक के लिए पढ़ाता हूँ, तो क्रैक करिए CSIR को विद मी Viren Singh on Anacademy, जहाँ पे कई सारे कोर्सेज जो है वो चलते रहते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ सो प्लस कोर्सेज इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर लाइव क्लासेस कोर्स एंड PDF एंड क्विजेस मिलते हैं। आइकॉनिक में इन सबके अलावा आपको पर्सनल कोच, पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स, SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यूज़ करें रेफरल कोड विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। वेरिस बैच कोर्सेज इज रनिंग, बैच 2, 5 एंड 7। इन बैच कोर्सेज में भी आप जुड़ सकते हैं, या तो इंडिविजुअल कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे यूनिट 13, 8 एंड डिफरेंट यूनिट्स जो है मैं डील करता हूँ। प्लस के जो फीचर्स है, जहाँ पे फुल लेंथ कोर्सेज, MCQs एंड PYQs, न्यू बैचेस एवरी वीक, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, वीकली क्विजेज इन एवरी कोर्सेज, फुल मॉक टेस्ट एंड ऑल सब्जेक्ट्स बायलैंगुअल आपको मिलते हैं। इसके अलावा आइकॉनिक में आपको मिलता है कई सारी चीज़ें। इन सब के अलावा हम और सारी चीज़ें इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, रिसर्च मेथडोलॉजी, सिनेप्सिस, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो जुड़िए अनअकैडमी के साथ, 6 मंथ की कॉस्ट इतनी है। अगर आप प्रेफर कोड विरेन और विरेन लाइव यूज़ करते हैं तो आपको इस पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस फ्री होती हैं। पोस्ट द लर्नर का ऑप्शन यूज़ करिए, रेज योर हैंड का ऑप्शन यूज़ करिए, डायरेक्ट अपने एजुकेटर से बात करिए, नेवर मिस ए क्लास, लेक्चर नोट्स एंड एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर, ये चीज़ें ले सकते हैं। स्पेशल क्लासेस कई सारी जो है आपके मेरे प्रोफाइल पे जाके अवेलेबल हैं, देख लीजिए, और अपकमिंग भी वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑफर्स चल रहे हैं 12+2 27 अक्टूबर तक, और 6 मंथ सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। 31 अक्टूबर तक ऑफर है, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपको मेगा ऑफर जो चल रहा है। आस्क अ डाउट फीचर भी आ चुका है, इसका फीचर भी यूज कर सकते हैं आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, एंड 1-to-1 लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। सो हर यू गाइस, सब्सक्राइब नाउ एंड यूज द रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। लेट्स क्रैक इट।